रिया चक्रवर्ती पर बड़ी बात कही है सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई ने। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई ने रिया चक्रवर्ती के पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद बड़ा बयान दिया है रिया चक्रवर्ती पर। क्या कुछ खास कहा है, आइए हम आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में पूरी विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बात बता दें रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बारे में। रिया चक्रवर्ती अपने पूरे के पूरे इंटरव्यू में मुस्कुराती है, हंसती है और कहीं ना कहीं वो अपने मन में जीत का जश्न मना रही होती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बड़े बड़े आरोप लगाती हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड पर और साथ ही साथ कई सारे बातों का खुलासा भी करते हुए नजर आई। लेकिन ये सारी की सारी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद थे और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, इस तरह की बातें बता रही थी रिया चक्रवर्ती अपने इंटरव्यू पर। और ये सारे के सारे इंटरव्यू को देखने के बाद नीरज सिंह बबलू, जो कि सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं और बीजेपी के विधायक हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के साथ इनका गहरा रिश्ता है, अब वो सामने आए हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कहा है, नीरज सिंह बबलू ने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती एक विषकन्या है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती एक ऐसी विषकन्या है जिसने हमारे सुशांत सिंह राजपूत को डस दिया और साथ ही साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। आप सभी दर्शक देख सकते हैं, नीरज सिंह बबलू का ऐसा कहना है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू सामने आया है, उस इंटरव्यू को देखने के बाद और बहुत सारी तोहमतें लगाई हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगा रहे हैं नीरज सिंह बबलू रिया चक्रवर्ती पर। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके भाई की हत्या के पीछे कोई और नहीं है बल्कि रिया चक्रवर्ती ही है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत को लगातार गलत दवाइयां दी जा रही थी और गलत दवाइयां देने में किसी और का हाथ नहीं है, रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। इस तरह की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं नीरज सिंह बबलू। नीरज सिंह बबलू और भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर और रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ नीरज सिंह बबलू का ऐसा भी कहना है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जितनी भी खबरें मीडिया में चल रही थी वो सारी की सारी खबरों को हमने गलत बताया था और साथ ही साथ हमने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे किसी और का हाथ नहीं है बल्कि रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। हमने पहले दिन से ही आप सभी दर्शकों को ये बताते आ रहे हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत के सारे चाहने वाले से हम यही कह रहे थे, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का पाप का घड़ा बहुत ही जल्द फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है नीरज सिंह बबलू का और साथ ही साथ ऐसा कहना है कि बहुत ही जल्द पाप का घड़ा फूटेगा रिया चक्रवर्ती का और रिया चक्रवर्ती जो है सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि वो जो है वो ईडी और साथ ही साथ जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल कर रही हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ इस केस को हैंडल कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही है, उससे बच नहीं सकती रिया चक्रवर्ती। बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आप सभी दर्शकों से इतना ही कहना चाहते थे, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती पर। बल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना।